बिल में उन्हें वीसीए में 19 पैसे की वृद्धि और सुरक्षा निधि को जोड़े जाने की वजह से अधिक बिल देना पड़ रहा है और इस वजह से अक्टूबर का बिल उपभोक्ताओं को नवंबर महीने में भारी पड़ रहा है। बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। बिजली बिल में इस महीने से हुई वृद्धि को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी के घर पे पहले 1500 से 1600 रुपए बिल आता था तो इस बार 2400 से 2500 तक बिल आ रहा है। दरअसल इसलिए बिजली बिल बढ़ा है, वीसीए में 19 पैसे की वृद्धि हुई, वीसीए अब 61 पैसे प्रति यूनिट हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं का विद्युत शुल्क 8 से बढ़कर 11% हो गया, गैर घरेलू उपभोक्ताओं का 12 से बढ़कर 17% हो गया। खपत के हिसाब से सुरक्षा निधि में बढ़ोतरी हुई है, सुरक्षा निधि में वृद्धि की राशि का भार हर महीने नहीं पड़ेगा। इधर बिजली बिल बढ़ने को लेकर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिजली बिल हाफ का वादा कर सत्ता में आई पार्टी जनता को लूट रही है। उपभोक्ताओं को 10,000 रुपए तक अधिक राशि बिजली बिल के रूप में चुकाना पड़ रहा है। अक्टूबर महीने के बिजली बिल में करीब 10,000 रुपए का अधिभार आम उपभोक्ताओं को पड़ा है और ये सीधा सीधा जनता के साथ में छलावा है, जनता के साथ में लूट है। और एक तरफ भूपेश की सरकार ये बात करती है कि हम बिजली बिल को हाफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10,000 रुपए का करंट बिजली बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम आदमी को लगा है, जो इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को उजागर करता है। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को झूठा करार दिया, साथ ही उन्हें अध्ययन करने की सलाह दी। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि वर्तमान में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। पुरानी सरकार ने एवरेज बिल के आधार पर धरोहर राशि लेने का प्रावधान किया, वो यथावत है। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान कि हर व्यक्ति को 10,000 रुपए का बिल आएगा भ्रम फैलाने वाला है। बिजली का दाम एक भी रुपए नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से बिजली का दाम विद्युत नियामक आयोग ने पूर्व में तय किया था, बिजली का दाम वही है। 400 यूनिट तक बिजली बिल के दाम आधा भी रहेंगे। इसके अलावा जो पुरानी सरकार ने एक नियम बनाया था कि प्रतिवर्ष उसमें सरचार्ज के बारे में एक नियम था कि उसमें हर साल के एवरेज बिल के आधार पर सभी उपभोक्ताओं से एक धरोहर राशि ली जाएगी, वो नियम यथावत है। इसमें हमारी सरकार ने कहीं से भी कोई संशोधन नहीं किया है और नेता प्रतिपक्ष का यह बयान भी थोड़ा भ्रम फैलाने वाला है कि हर व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपये तक का न्यूनतम बिजली बिल आएगा। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी बिजली बिल 10,000 रुपये से अधिक ही आएगा, मतलब 20 रुपये की बिजली खपत किया तो 10,020 रुपये बिजली बिल आएगा। ऐसी स्थिति प्रदेश में कहीं नहीं। पहले ही महंगाई के बोझ में दबे उपभोक्ताओं को बिजली बिल बढ़ने से बड़ा झटका लगा है। वहीं चुनावी साल में से लेकर सियासी करंट भी दौड़ने लगा है। ऐसे में बिजली के झटके का असर आम आदमी की जेब के साथ प्रदेश की सियासत पर पड़ने की बात कही जा रही है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस इसे लेकर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भारी भरकम बिजली बिल ने उपभोक्ताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर।